अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा आज मैं आपके ग्रुप में दूसरी वीडियो भी शेयर करूंगा ताकि हमारा एक चैप्टर आज खत्म हो जाएगा क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस अभी थोड़ा ज्यादा है। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इजी क्वेश्चन है। ए लिक्विड इन ए क्यूबॉइड ऑफ साइज 11x9x4। देखिए बेटा क्यूबॉइड है, उस क्यूबॉइड का साइज है 11 cm × 9 cm × 4 cm और इसी में कुछ लिक्विड है, ठीक है ना। ये लिक्विड हमें सिलेंड्रिकल बॉटल्स में डालना है। सिलेंड्रिकल बॉटल्स के डायमेंशन दिए हुए हैं, उनमें जो रेडियस है, रेडियस बल्कि डायमीटर 4 cm और हाइट है 3.5। तो हमें देखना है कि कितने बोतल्स में लिक्विड आ रहा है। सो वी हैव डायमेंशंस, ऑफ द क्यूबॉइड। देखिए हमें क्यूबॉइड दिया है, इसके डायमेंशंस है, दीज आर गिवन टू बी 11x9x4, 11 cm × 9 cm × 4 cm, ठीक है। तो बेटा हम फिर देखेंगे इस क्यूबॉइड में जो लिक्विड है इसका वॉल्यूम कितना हो। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज इक्वल, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, एज यू नो लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। तो चूंकि क्यूब कंटेनर क्यूबॉइड फॉर्म में, इसलिए इसमें जो लिक्विड होगा वो भी किस फॉर्म में होगा, क्यूबॉइड। तो इसका हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, क्यूबॉइड का लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, है कि नहीं। वो कितना बनेगा, 11x9x4, 11x9 इज 99, 99 × 4 cm इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो गए सेंटीमीटर क्यूब। 4 9s are 36 कैरी आ गए 3, 4 9s are 36 और 3 हो गए 39। तो बेटा इस लिक्विड का वॉल्यूम होगा 396 cm³। अब हमें इसी लिक्विड को डालना है सिलेंडर बोटल्स में। जो सिलेंडर बोटल्स है उनका इस तरह है। नाउ डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल बोतल, सिलेंड्रिकल बोतल जो है ना उसका डायमीटर कितना है, 4 cm, लिहाजा उसका रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 4/2, दैट इज 2 cm। और इसकी जो हाइट है, जो सिलेंड्रिकल बोतल है ना उसकी हाइट यानी एज जो है दैट इज गिवन टू बी 3.5 cm। तो बेटा हम देखेंगे एक सिलेंड्रिकल बोतल का वॉल्यूम कितना बनेगा। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अंदर में सिलेंडर बनाऊंगा, बाहर लिखेंगे वी, हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, है कि नहीं। पाई कितना है, 22/7 इंटू रेडियस, हमने देखा रेडियस इज 2, सो इट इज 2 × 2 × हाइट, हाइट इज 3.5। देखिए कैंसिलेशन करेंगे, 7 × 7, 7 × 5 = 35, यहां रहेगा 0.5। 2 × 22 हो गए 44 × 2 कितने हो गए, 88, शाबाश। तो 2 × 22 = 44, 44 × 2 = 88, तो ये बनेगा 88 × 0.5 cm³। सो इट इज 5 8 = 40, कैरी आ गए 4, 5 8 = 40 और 4 हो गए 44, लेकिन डेसिमल आएगा ना एक के बाद। तो एक बोतल का वॉल्यूम कितना होगा, 44 cm³। सो देयरफॉर कितनी बोतल्स लगेंगी, देयरफॉर नंबर ऑफ बोतल्स रिक्वायर्ड। तो बेटा हमें कितनी बोतल्स लगेंगी फिर, ये लिक्विड, इतना लिक्विड, कितना लिक्विड का वॉल्यूम कितना निकला, 396 cm³, इसको इस वॉल्यूम की बोतल्स में डालना है। तो ये बनेगा 396 को आप डिवाइड करिए 44 से, किससे, 44 से, कैंसिलेशन होगी 11 से, 11 × 4 = 44, 11 × 3 = 33, कैरी आ गए 6, ये बनेगा 66, 11 × 6 = 66, ठीक है ना। ये बनेगा 36/4, 4 × 4, 4 × 9 = 36, सो वी रिक्वायर 9 बोटल्स, ठीक है ना बेटा। तो इस लिक्विड को बोटल सिलेंड्रिकल बोटल्स में डालने के लिए हमें कितनी बोटल्स दरकार रहेंगी, हमें लगेंगी 9 बोटल्स की हमें जरूरत पड़ेगी। आई बात समझ में, शाबाश। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 12। नाउ इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इन अ ब्रिम ऑफ वाटर सिलेंडर, देखिए बेटा एक सिलेंडर है उसमें पानी है,
और ये पानी अप टू ब्रिम है, यानी बिल्कुल भरा हुआ है। कोशिश प्रोसेस का नाम गलिस्तान जो आप बोले, ठीक है ना। अब इसमें हम डाल रहे एक क्यूबाइड, ठीक है जी, इसमें हम क्यूबाइड डालते हैं। क्यूबाइड के डायमेंशंस भी दिए हुए, तो आपको मालूम है अगर किसी कंटेनर में पानी होगा, बरके होगा, इसमें आप कोई भी चीज डालेंगे तो उसमें से पानी गिरेगा, तो आपको बोलेंगे कितना पानी इसमें से गिरेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसमें से कितना पानी गिरेगा, जितना वॉल्यूम होगा उस क्यूबाइड का जो हम इस सिलेंडर में डालेंगे। देखिए क्या हमें दिया है, रेडियस ऑफ, वी हैव गिवन रेडियस ऑफ सिलेंडर। ये बेटा सिलेंडर है, इसका रेडियस हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और इसकी हाइट, इसकी हाइट भी दी हुई है, इसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर। कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो हम पहले देखेंगे इसका वॉल्यूम कितना होगा। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, इट इज 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस इज 7, सो इट इज 7 × 7 इंटू एच, एच इज 6। 7 और 7 कैंसिल कर दीजिए, क्या रहेगा 22 × 7 और 6 को मल्टीप्लाई करिए, 7 × 6 = 42। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 4 = 12, 8 + 1 = 9, सो इट इज 924 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा इसमें कितना पानी होगा फिर, 924 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो हमारे पास क्यूबाइड है, क्यूबाइड के डायमेंशन है 3 × 4 × 5। डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड, डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 3 cm × 4 cm × 5 cm, ठीक है ना। तो बेटा इस क्यूबाइड का वॉल्यूम कितना होगा फिर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ठीक है जी, ये हो गया क्यूबाइड इज इक्वल, इनको मल्टीप्लाई करिए, 3 × 4 = 12, 12 × 5 = 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम कितना है, 60 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम इस क्यूबाइड को अब सिलेंडर में डालेंगे तो बेटा इसमें पानी गिरेगा, कितना पानी गिरेगा अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसमें से 60 सेंटीमीटर पानी नीचे गिरेगा। वही क्वेश्चन कहता है हाउ मच वाटर विल ड्रॉप आउट, हाउ मच वाटर रिमेन इन द सिलेंडर, तो ड्रॉप आउट कितना होगा। सो देयरफॉर वाटर ड्रॉप आउट इज इक्वल टू, वाटर ड्रॉप आउट, कितना पानी गिरेगा, जितना इस क्यूबाइड का वॉल्यूम है, दैट इज 60 सेंटीमीटर क्यूब। एंड वाटर रिमेनड, पानी कितना बचेगा वो आप खुद करेंगे, वो आप खुद करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 924 माइनस करेंगे आप 60, दैट विल गिव द वाटर रिमेनड इन द सिलेंडर, ये आप खुद करेंगे, ठीक है ना। शाबाश। अब इसमें, इस चैप्टर में हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 14, कल आपका एग्जाम है ना, और उसके बाद हम नया चैप्टर उठाएंगे प्लेइंग विद नंबर्स। लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं हिंट दूंगा, इसको आप खुद करेंगे। द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डबल, देखिए बेटा एक सिलेंडर है उसका रेडियस डबल किया जा रहा है और उसकी हाइट हाफ की जा रही है, हाफ नसब किया जाता है, हमें रेशो निकालना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, ठीक है ना। तो मैं इस तरह लिखूंगा, लेट द रेडियस इज इक्वल टू आर एंड हाइट इज इक्वल टू एच। ये एक सिलेंडर है, उसका रेडियस आर है, उसकी हाइट एच है, तो हम बेटे इसका देखेंगे सरफेस एरिया कितना होगा। सो देयरफॉर देखिए, क्योंकि दो सिलेंडर है इसलिए एक का मैं रिप्रेजेंट करूंगा एस वन से, सिलेंडर वन का जो सरफेस एरिया इट इज 2πRH, है ना, 2πRH, इट इज इक्वल टू, बिल्कुल ठीक है, ऐसे रखिए 2πRH। अच्छा वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, V1 इज इक्वल टू πR²H, ठीक है ना, सरफेस एरिया 2πRH और वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर विल बी πR²H।
नाउ रेडियस ऑफ न्यूजीलैंड। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या था कि रेडियस को आप दुगना कर दीजिए। रेडियस को क्या करना है, इफ द रेडियस इज डबल्ड, रेडियस को दुगना करना है। तो नया रेडियस कितना बनेगा, नया रेडियस बनेगा आर का दुगना बन गया टू आर, ठीक है ना। और न्यू बल्कि जो हाइट, हाइट ऑफ न्यू सिलेंडर, हाइट को क्या करना है, इसको हाफ करना है, एच का हाफ हो गया एच बाई टू, एच बाई टू। सो देयर फोर सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, फॉर्मूला सेम रहेगी टू पाई आर इंच, टू पाई आर। लेकिन बेटा इस वक्त रेडियस क्या है, देखिए आर मीन्स रेडियस, इस सिलेंडर में रेडियस आर था लेकिन इस सिलेंडर में क्या रेडियस है टू आर, रेडियस इज टू आर। यहां पर हाइट थी एच, यहां पर हाइट क्या है, यहां पर है हाइट एच बाई टू, ठीक है। देखिए भाई आप क्या करेंगे, इस टू को आप इस टू के साथ कैंसिल कर दीजिए, वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा टू पाई आर एच, टू पाई आर एच। तो सरफेस एरिया क्या बनेगा, सरफेस एरिया वापस वही बनेगा टू पाई आर एच। और वी टू यानी वॉल्यूम क्या बनेगा, वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई तो ऐसे रहेगा ना, पाई आर स्क्वायर। अब हमने आर को डबल कर दिया है तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा टू आर स्क्वायर इंटू एच, एच को क्या किया है, एच को हाफ किया है एच बाई टू, ठीक है ना। देखिए क्या बनेगा, इट इज इक्वल टू पाई, टू स्क्वायर हो गए फोर, टू स्क्वायर कितने हो गए फोर, तो ये बनेगा फोर पाई आर स्क्वायर एच, टू स्क्वायर हो गए फोर पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई टू, टू वन आर टू, टू टू जार फोर, सो इट इज इक्वल टू टू पाई आर स्क्वायर एच। तो बेटा इसका वॉल्यूम क्या बनेगा, वॉल्यूम बनेगा टू पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें एस वन और एस टू का सर रेशो निकालना है और वी वन और वी टू का रेशो निकालना है। सो देयरफॉर पहले निकालेंगे हम एस वन डिवाइड बाई एस टू, एस वन इज टू पाई आर एच, एस टू वो क्या निकला, वो भी निकला यही टू पाई आर एच, सेम कैंसिल हो जाएंगे, इट इज इक्वल टू वन बाई वन और वन इज टू वन। सो सरफेस एरिया का रेशो होगा वन इज टू वन। अब देखेंगे वी वन बाई वी टू, ऑल्सो वी वन बाई वी टू। देखिये बेटा पहले केस में वॉल्यूम निकला पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, दूसरे केस में वॉल्यूम क्या निकला टू पाई आर स्क्वायर एच, टू पाई आर स्क्वायर एच। देखिए भाई पाई और पाई कैंसिल होगा, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल होगा, एच और एच कैंसिल होगा, सो द रेशो इज वन बाई टू और वन इज टू टू। तो इसका मतलब जो दूसरा सिलेंडर बनेगा उसका रेडियस और पहले सिलेंडर का रेडियस वो तो सेम रहेगा, लेकिन उनका वॉल्यूम क्या होगा, पहले सिलेंडर का वॉल्यूम दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम का हाफ होगा, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर, इसके बाद हम उठाएंगे प्लेइंग विद नंबर्स, आप इसको देखते रहे, अल्लाह हाफिज़।